Hello everyone, let's start with question number 10. So in this it says an express train takes 1 hour less than a passenger travel to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of a passenger train. तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है वो क्या बोला है उन्होंने 11 किलोमीटर मोर है एज कम्पेयर टू द पैसेंजर ट्रेन. तो इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन को हम क्या मानेंगे एवरेज स्पीड क्या मानेंगे उसकी x किलोमीटर पर आवर. उसके बाद उन्होंने बोला कि एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो रही है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. अब उन्होंने बोला है कि उनको ट्रैवल करने में कितना टाइम मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इट इज 132. तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. अगर मेरे को टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकलेगा डिस्टेंस ओवर स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी है 132 स्पीड कितना है x फॉर अ पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन का क्या हो जाएगा सेम डिस्टेंस से वही ट्रेवल करना है उन्होंने स्पीड इसकी कितनी है x प्लस 11. सो ये हमारा दोनों आर्स में आ पैसेंजर वाला भी और एक्सप्रेस ट्रेन वाला. ठीक है अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दी थी कि एक्सप्रेस ट्रेन को एक घंटा लेस लगेगा दैन अ पैसेंजर ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर. अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं तो उनको एक घंटा कम लगेगा. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है 132 ओवर एक्स और हमारे एक्सप्रेस ट्रेन को कितना लग रहा है 132 एक्स प्लस 11. अब एक्सप्रेस ट्रेन कम एक घंटा कम लगेगा उसको अगर वो एक मतलब स्पीड अपने बढ़ा लेंगे तो प्लस वन है. तो अब क्या करना है वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करोगे जो भी 132 वाली टर्म्स है हमारी उसको एक तरफ ले जाओ तो 132 x प्लस 11 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे एंड इन नेगेटिव. अब कॉमन क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में से 132 हमारे पास क्या बचा 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x प्लस 11 इक्वल्स 1. अब 132 जो है उसको हम यहीं पे रखेंगे और पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम लेना पड़ेगा तो पहले वाला क्या हो जाएगा x प्लस 11 दूसरा वाला क्या हो जाएगा x. तो x से x कैंसिल हो गया. अब x और x प्लस 11 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. सो 132 इंटू 11 इक्वल x इंटू x प्लस 11. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सके. तो हम एक्सपैंड करेंगे ब्रैकेट्स को. 132 इंटू 11 इज 1452 x इंटू x इज x स्क्वायर 11 इंटू x इज 11x. अब 1452 को राइट हैंड साइड ले आते हैं सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452. अब हमें क्या करना है अब हमें सॉल्व करना है यूजिंग एनी मेथड यू विश टू. कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है उससे सॉल्व करो. आई एम यूजिंग फैक्टराइजेशन हियर. तो हमारे पास सी क्या है और ए क्या है. ए हमारा 1 है सी हमारा 1452 है. तो सी और ए को मल्टीप्लाई किया सो हमारे पास 1452 ही आएगा. अब 1452 को हमें क्या करना है ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि वी गेट 11x. तो 1452 के दो फैक्टर्स बन रहे हैं दैट इज 33 इंटू 44 करोगे तो आपको यही मिलेगा. तो अब इसको ऐसे लिखना है कि हमारा पॉजिटिव 11x बने. सो इट विल बी 0x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1450. अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है x. लास्ट टू टर्म में से 33. तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं x माइनस 33 दूसरी वैल्यू आ रही है x प्लस 44. दो वैल्यूज आ गई हमारे पास तो x की वैल्यू या तो 33 होगी या तो x की वैल्यू माइनस 44. दो ही वैल्यू हो सकती है या तो 33 या तो माइनस 44. तो माइनस 44 तो स्पीड हमारी हो नहीं सकती. माइनस 44 तो कैंसिल हो गया.
अब हमें निकालनी क्या थी, स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। वापस से ऊपर चलते हैं। तो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी हो जाएगी, 33 किलोमीटर पर आवर, और आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 33 प्लस 11, 33 प्लस 11 इज 44 किलोमीटर पर आवर। सो दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।